किरासन तेल डाले आगे लगे तुमको आपको धमकाया गया था बाप दे सोना चांदी दे मुख दी डेढ़ भरी सोना दिले 35 भरी चांदी दिले धेनु भैंस दिले पलंग कुर्सी टेबल अलना सब कुछ मुख दे बिलाले छिलाले मुर्जंगे एला करण तने दियाला बुलेट मोटरसाइकिल मा हूं चार भरी सोना दिलाक टाका आनबो त राखु दुनिया 15 साल से जिंदगी रानी बितानु तन वा मुख हर गुना लोकर बातर पर वा मोर पर मुख गलत सोचो अगर भी वार तने गलत सोचो तो भी वार को आग धरे 15 साल से रहनु तन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल न्यूज में। शादी के 15 साल बाद दूल्हा मांग रहे हैं दहेज, नहीं देने पर लड़की के साथ करते आ रहे हैं मारपीट। किशनगंज जिला के टेढ़ागंज प्रखंड हाटगांव पंचायत वार्ड नंबर 12 की रहने वाली अफसाना बेगम की शादी आज से 15 वर्ष पूर्व अररिया जिला के पलासी प्रखंड कलियागंज पंचायत के उर्दू बस्ती में धूमधाम से हुई थी। आज 15 वर्ष बीत जाने के बाद दूल्हा द्वारा दहेज मांगा जा रहा है। लड़की जब इसका विरोध करता तो उसको मारपीट किया जाता। दरअसल अफसाना बेगम को अल्लाह ने औलाद नहीं बख्शा है, जिसको लेकर मुजाहिर हर दिन अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता आ रहा है, मारपीट भी करता। बार बार अफसाना को मुजाहिर द्वारा शादी करने की धमकी दी जा रही है। गौरतलब हो कि लड़का आज से 2 माह पूर्व अपनी बीवी अफसाना बेगम को मार कर उसके मायके भेज दिया था और लड़का द्वारा नया शादी रचाने का प्लान किया जा रहा था, जिससे लड़की अफसाना द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मेरे माता पिता द्वारा दहेज ना देने पर हमें इस तरह से मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है और दूसरा शादी करने जा रहा है। अफसाना बेगम ने यह भी कहा कि अगर मेरे माता पिता हमें दहेज नहीं देते हैं तो मेरे पति हमें कभी भी जान से मारती है। आज से पूर्व कितने बार जान से मारने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं मंजर आलम। आदाब, सलाम अलैकुम, मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि बता दूं कि किशनगंज जिला के टेढ़ागंज प्रखंड अंतर्गत हाटगांव पंचायत वार्ड नंबर 12 में और दहेज प्रथा का मामला सामने आया है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार एक तरफ सरकार बेटियों को सुरक्षा के लिए योजनाएं पारित कराया जा रहा है और मैं उनकी जुबानी में बताऊंगा कि उन लोगों का समस्या क्या है, परेशानी क्या है, विस्तार रूप से मैं बताऊंगा। जो यूपी है, मैं आया हूँ क्योंकि कई दिनों से कॉल फोन का माध्यम से मुझे लगातार कॉल किया जा रहा था बट मेरा पास टाइम नहीं था, तो आज मैं आया हूँ। विस्तार रूप से बताऊंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज, क्योंकि ये बहन का बात है। अगर जहाँ बहनों वाली बात आता है, अगर आप लोग अगर अदर वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर करना क्योंकि इसका घर बच जाए। जब से ऐसा मारपीट करे मैं भगाया तो फोन फान कोई नहीं, घरों दोल खर्चा पानी दिया है, 8 महीना दोल में वो दिया है, 8 महीना से नहीं खर्चो करो अपना बचू लो आर सब खन में पोटली सजे मोर माँ ने दुआ पठाइल मुरी चूरा आलू प्याज लहसुन सब खन में छा से ने खाचिन फिर भी वहाँ मोर पर अतो घुरी ई करोल की ती तो टाका देबू तो ती बोले की करो मोर संगे हर कोना झगड़ा झटती हर कोना ये पैसा खातिर है मुल की मोर साथे 2 महीने 1 महीना भरे की करोल मुजाहिर। हां, कलिया गई उर्दू बस और उसके मायके वहां अभी है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मामला क्या था, विस्तार रूप से पूछूंगा। क्या हुआ था आपके साथ, नाम क्या, नाम बताइए। अफसाना बेगम, क्या हुआ था? 15 साल से मोर शादी 15 साल हंजेल 15 साल से मोर संगे हनीमन करो वहाँ। क्या हनीमन करो, नाम बताओ। मुजाहिर। मुजाहिर। ससुर का नाम क्या आपका? इस्लाम। देवरेर नाम साईद अजीम, जार नाम नासेरा, नंदेर नाम मिशनरी, नंदसिर नाम कलुआ। हर का साल में कितना दिन रहे आप? 15 साल। 15 साल रहे। हाँ। वो पहले भी मारपीट करता था? हाँ, पहले से मारपीट करो मैं बर्दाश्त करते करते रही हूँ। गाँव बस्ती लोग समझे बुझे राख ले, इंसा पंचायत बहुत कर इंसा पंचायत रियात में समझे बुझे मुखी करे राख ले, मैं रही हूँ बर्दाश्त करते करते। 2 महीना पहले मोर नैयर तोला मतुर का अनुआ मार मतुर कार बारे इस से झगड़ा करे, जब मोर संगे झगड़ा कर ले मुख मारे पीटे और बाप भेजे कोई नहीं धमका मुख मारो पीटो चूल्हा पकड़े मुख घिस्ते घिस्ते मारो और बाप को नहीं धमकाए। ये गार्जियन कोई घर में आपको जब मारता था तो कोई अगल बगल के लोग छुटाने नहीं आते? अगल बगल के लोग छुटवा आवल तब छोड़ ले और बाप उठा बोटे पश्चिम घाट वसरा बोटे घाट काम दहेज के बारे बता रहे थे आप, आपके पास क्या क्या किन किन चीजों का मांग किया था? इज्जत करूं को नहीं तो बेइज्जत करे मारूं को मुख टाइम क्या दी बजे रात के बोले मकई कटवा टाइम तक बोले गाड़ी यार सोना टाका नहीं आनबोते बोले बहुत यार इंजाम बोले बुरा है तो नहीं आन बोते बोले अच्छा इज्जत है तो नहीं तो बेइज्जत करे कपड़ा वपड़ा खोले बेइज्जत करे मारूंगू आपको किरासन तेल डाल करके आग लगा देंगे ऐसा बोला था।
वार बाद मोक आपको सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन करता था, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है घर में? सबसे ज्यादा परेशान मोर मालिक करो मुजाहिर, वार पीछू सब गो छे। मुजाहिर का बाप का नाम क्या, पिताजी कौन? इस्लाम। हाँ। वो स्थानीय वासी कहाँ के? कलियागंज उर्दू बस्ती। कलियागंज उर्दू बस्ती। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अफसाना बेगम का दुख भरी कहानी मैं आपको बयां कर रहा हूँ। दोस्तों ये लड़का जो है मुजाहिर आलम कलियागंज का बताया जा रहा है कि कलियागंज उर्दू बस्ती का रहने वाला बताया जा रहा है। महज 15 साल पहले, आपको पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि पड़ताल मानिए क्योंकि ये एक बच्चा भी इनका, ये बच्चा आप ही का है? हाँ, बच्चा मोर भैरसील मौर्या से यहाँ खुशवाने गई नू 20 साल होल खुशवाने बाद तो इरा बच्चा को देखे हुआ एहसास नहीं होल। अच्छा, यहाँ जो जब से आए हैं कभी आपको कॉल फोन वगैरह किया है बच्चा के बारे में? नहीं, कुछ फोन फान कुछ नहीं, तलाश कुछ कोई तलाश नहीं, कोई तलाश नहीं। यहाँ कितना दिन से रह रही हैं आप? 3 महीना हो। 2 महीना। हाँ। दोस्तों देखिए, एक तरफ अब मैं बेटियों का सम्मान करने कहते हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, दोस्तों मुझे दुख होता है इस चीज का। अफसाना बेगम का जो अपना बयां, जो हृदय से जो उनके दर्द है वो बयां कर रही है, मैं बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये ऐसा लड़कों को सरेसर कहा जाता है कि दहेज का लालची। दोस्तों मैं बता दूं कि दहेज महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इंसान की अगर जीवन सही करके नहीं बसेगा और जीवन व्यापन सही करके नहीं करेगा तो लोग कहाँ जाएगा, क्योंकि परेशान होकर के इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। दोस्तों मैं बता दूं कई दिनों से लोग फोन कर रहा था, और क्या क्या होता था आपके साथ? छाक में पुसवा नहीं तो यार जमीन मांगो, मुल्की गाड़ी घोड़ा सोना दिला टका मांगो, इला बातें मैं बोल लू तो मोर संगे मारपीट, 2 बजे रात के मोर 3 चौवा हिले दिया मारे, मैं चिचार काटनू मोर छोरा चिचार काटो सोनी छोरो अगल बगल लोग ओल छुटा ले तब छोड़ ले, वार बाद मैं यहाँ भागे चले गए कारो। हाँ, उसा से तब मैं बयाने मोर भई गई है, मोर भई मुख संदेश ने दुआ गई, मैं अपना नहीं रख काको नहीं पता कर लू। अच्छा, हमेशा मारपीट होता था? हमेशा मारपीट करते रहो हम, ये बात नहीं वो बात है, ये बात नहीं। बताया जा रहा है कि शादी कर रहे हैं वो, सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के शादी करने जा रही, बात कहाँ तक सत्य है? शादी करो तो मो अगल बगल सब से मो पता चलो, और जैसा ऐसा वहाँ कनिया छापो, जैसा ऐसा वहाँ कनिया करो उसमें से मो पता चलो, वहाँ लौचा कनिया छाप ले, लौचा से नंबर नहीं हुई रात नहीं हुई मोर सबला पूरा बयान ऊँचा करे हुई है, उछा से मो खबर मिल ले, वहाँ लौचा शादी करो और तने गेल लड़की माँ कह ले मैं शादी करो मो लड़की दे दिस, तो उछा से लड़की माँ और कहले कि शादी करिए तो शादी करबो, हाँ बोले मैं शादी करो वहाँ बोले भाई गई बोले मैं बोले शादी करो बोले 10 शादी करवा सको, वहाँ बुढ़ा लड़की माँ कहे कि वहाँ अगर वो सोखते वो गए तो बोले वहाँ बोले फरके घर उठे तुम वहाँ बोले मैं देखभाल कुछ नहीं करूँ फरके, वहाँ बोले रहा पावे तो रहे नहीं पावे तो वहाँ जैसा पावे जाते। देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो शादी करके भी शादी करने का सोच रहे, दोस्तों मैं दुर्भाग्य की बात है इस महंगाई का जमाना में मैं आपको बता दूंगा कि एक बीवी का गुंजाइश नहीं होता, एक बीवी को सही करके सही ढंग से कमा के खिला नहीं पाता, जो परवरिश नहीं कर पाता वो दावा करते हैं कि दूसरा तीसरा शादी करना। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान धर्म में हैं तो आप 4 शादी कीजिएगा 7 शादी कीजिएगा, बिल्कुल आपके वजूद भी होना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं ऐसे लोग जो दान दहेज के लालच में जो शादी करते हैं ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों काफी दुखद बात है, मैं इस प्रकार का जब मामला आता है और मुझे भी दुख लगता है। दोस्तों समाज में हमारे कहाँ हो रहे हैं, हमारे लोग यहाँ के कहाँ जा रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो दान दहेज का लालच में जो शादी कर रहे हैं। दोस्तों और मैं पूरा इनका अभी सुनाऊंगा, और क्या हुआ था वार बाद वहाँ भैंसा कनिया देखो हल्दी गुरा कनिया देखो सुनो ही बोले वहाँ बोले काल या परसों वहाँ बोले बारात जहा, और मुख कोई खबर नहीं कोई पता नहीं वहाँ की मैं वार संगी की भागे गई नू तो वहाँ मुख छोरे वहाँ शादी करो। आपका मांग क्या, आप क्या करना चाहती हो? मुख वहाँ से जे करवा लागे मैं करूँ, वहाँ मुख छोरे शादी की नहीं करवाया। आप चाहती कि मेरा फैसला करे पहले? मोर फैसला हवा चाहिए वार, मोर फैसला करो वहाँ 10 शादी करो का रुकवा नहीं जान। कितना दिन से आप दर दर ठोकर खा रही, कहाँ कहाँ जा रही है आप? बहुत नहीं ठोकर खानू बहुत जनाल की गेनू मोर, कोई इंसाफ पंचायत नहीं हो चे, कोई नहीं हो चे वहाँ इंसाफ पंचायत करे वार में ये करो ही, फिर वहाँ 10 दिन या महीना दिन रोचे फिर वहाँ मोर से हनीमन करो तो मैं कमन के वहाँ घूरो तो वाली रहो, एक औरत है मैं कब तक बर्दाश्त करवा सको वहाँ मोर संगे। देखिए अफसाना की दुख भरी कहानी बताया जा रहा है, देखिए अफसाना जो हाटगांव पंचायत का रहने वाली अफसाना की शादी हुई थी 15 साल पहले, जो कि कलियागंज उर्दू बस्ती में शादी हुआ था मुजाहिर आलम के साथ। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, एक बीवी का जो ठिकाना नहीं है, एक बीवी अपना सही सामान्य रख नहीं सकता, ऐसे महिलाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे दहेज के लालच में?
बताया जा रहा है कि साफ साफ इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि दहेज के लिए मुझे मारपीट कर रहा है और कई बार बोला कि अपने मायके वहां से जमीन बेच के लाओ तो कुछ लाओ। देखिए दोस्तों ये दुख वाली बात है, एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम लोग महिला सुरक्षा दे रहे, तो आखिर प्रशासन मौन धारण करके क्यों बैठी है? क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। और पूछेंगे इनका जो आवीति है इनका, रोइए मत, आपको है ना आपको इंसाफ मिलेगा, समझे? रोना नहीं दोस्तों। देखिए अफसना बेगम अपना दुख व्यक्त कर रही है, पूरा पूरा दुनिया से बयां कर रही है कि मेरे साथ इस प्रकार का दरिंदगी वाला हरकत किया है वो, और दूसरा बहन के साथ ना हो ऐसा। ये वीडियो बनाने का मकसद उनका कचरा करना नहीं है कि दूसरे लोगों को सतर्क करने का मतलब है कि आप लोग सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहे। दोस्तों ये बहन रो रही है अफसना बेगम, बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहता हूँ। अब रो रही है ये अपना नसीब पे रो रही है कि मेरा नसीब कैसा है, कि मेरा पति कैसा मिला। दोस्तों काफी दुखद बात है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ विस्तार रूप से और क्या हुआ था आपके साथ। एकता मोर औला आदमी से अला तो पांच जन सर मां भागे या काको रोको पा, अगर तीन मोर संगे ला करो लो मोर दिलो धरा मिरे तन मी कारो संगे भी जबा सउने तीन मोर रोको पालो तन मोर दिलो धरा मी जखन ती मोर पर शक करो इसने आता अखन का अगर खराब रहे तन तो टोल्टी मी निरे तन आता गुरी हाल नतीजा करो अरको तो धरे मी से अभी तक कुछ नशा वगैरह भी करता है क्या वो? मुक पता नहीं है नशा करो की। आपका पति आपको मालूम नहीं है? जी नशा मुक पता नहीं है नशा करो की। काम क्या करते हैं? अला तो वहाँ पहले तो भारत रो चिल चार पांच साल से वहाँ टेम्पू लिया था, टेम्पू चला बाहर जा टेम्पू घर उतरा के तो बाहर जा बाहर तो रोचे तो वहाँ मोर से हनुमान झगड़ा फून फान करते रोचे फून फान करते रोचे मोर सोना चांदी बेचे सब कुछ वहाँ गाड़ी निकला रहे तो गाड़ी फ्री कर ले मोर दिलो धरा मिल युवक सब कुछ अपना जिस बदन डाल उतरे दिन तो गाड़ी फ्री करवाने बाफेल की से टाका ने दिनू भैल की से टाका ने दिनू गाड़ी फ्री कर ले वहाँ मोर बकरी तकरी सब बेचे बाचे मीछा वसवर बस सब कुछ वहाँ मौका पंजी वहाँ बेचे बाचे अपना हाथ गरम कर लिया और जला बकरा बकरी चिल अपना मुर्गा मुर्गी अपना बहन अपने जमा दे हुई। आपको इल्जाम भी लगाया जा रहा था कि मेरे घर से फ्रॉड करके आए, सब तो बात क्या है? मी घर से ओनू मुख मारे पीटे भगे दिले तो मिकी खान वारने ओनू तो वहाँ मोर पर आला इंजाम लगा बोले ये मोर घर से बोले सोना चांदी सबला नहीं चलेगी ये 50,000 टाका में टेम्पू से कमे रखी है टाका नहीं गई ये अपना भाई काने बोले सब कुछ लूटे लाटे मोर घर बोले सब कुछ नहीं चलेगी ये। देखिए दोस्तों ये मामला पूरा विस्तार रूप से मैं बताया कि अफसना बेगम का दुख भरी कहानी में बताया, इनके घर में आया और कई लोग मुझे फोन के माध्यम से जानकारी दिया था, तो मेरा समाज में कहीं पे भी इस प्रकार का मैटर होता तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कोई भी बेटी के साथ बहन के साथ अत्याचार होता है तो मैं उस जगह में जाने का प्रयास करता हूँ और मैं